तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आप देखें मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। सदन की गरिमा बरकरार रहे महोदय, कोई भी सदन के अंदर वैसे असंसदीय शब्द या उस तरह का वक्तव्य जिससे सदन को कहीं न कहीं शर्मसार होना पड़ता है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो वक्तव्य कल दिए हैं, उनके सत्ता पक्ष के महिलाएं भी सर को झांपे हुए पूरी महिला का अपमान किए हैं। महिलाओं का ये मां जानकी की धरती है महोदय, ये शक्ति की भूमि को लज्जित किए हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो मेंटल हो चुके हैं महोदय, एक मेंटल मुख्यमंत्री बिहार का कुर्सी नहीं संभाल सकता। और उप मुख्यमंत्री कहता है कि सेक्स नहीं, आप अब स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग नेता प्रतिपक्ष जो कहे नहीं महोदय, ऐसे ऐसे भेजवाते हैं महोदय, ये देख लीजिए जरा तमाशा। नहीं नहीं पूछ जाइए। नेता प्रतिपक्ष ये शोभा नहीं देता। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री कल जन्म दर नियंत्रित करने के संबंध में कुछ बात कह रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री ने अभी सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर उसमें कोई ऐसी बात हो गई है जिससे महिलाओं के अपमान या उनके भावना पर किसी तरह की ठेस पहुंची है तो मुख्यमंत्री ने उस वक्तव्य को वापस ले लिया है, उसके लिए खेद प्रकट किया है। और हम आसन से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आप भी प्रोसीडिंग देख लीजिए, अगर कोई उसमें और संसदीय शब्द है तो आप बाहर कर दीजिए। मुख्यमंत्री ने तो खेद प्रकट कर दिया है, ये बोले और आ जाए बीच में, हम बोले आ जाए बीच में, ये कौन तरीका है? आप तमाम जाए माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बुलाइए इन लोगों को, आप सदन से आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना चाहते हैं। आपने सवाल उठाया है, सरकार अगर खड़ी है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के आपत्ति है तो कृपा करके बैठ जाइए और मैं सफाई दे देता हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए सर। आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये मुख्यमंत्री, अरे भाई हम माफी मांगने को तैयार है, बचिएगा सब। बैठिए, हो गया। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जो वक्तव्य दिए और उप मुख्यमंत्री सेक्स ज्ञान बांट रही है, बिहार को शर्मसार किया है। ये मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया है या दस्त भी कमजोर हो गया है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये व्यक्ति बिहार के अंदर सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। बिहार को शर्मसार और जातीय उन्माद पैदा करके बिहार में सिर्फ आग लगाना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार के महिलाओं का माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको अधिकार नहीं है माननीय मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का, आपको अधिकार नहीं है। बिहार की जनता इनमें विश्वास करती है। माननीय नेता संसदीय कार्य विभाग, महोदय आप सुनिए, आप सब भी कहे के लिए बिना मतलब का हल्ला कर रहे हैं। हम तो आपको बता देते हैं, हम आप लोगों का देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं
हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहाँ पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। और आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं। और कल ही हमने बता दिया कि छह साल तक में संख्या कितनी पहले से की तुलना में घट गई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जब लड़का लड़की में, लड़की अगर मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर दो, और बिहार में भी हम लोगों ने करवाया तो बिहार का भी पता चला दो, और अगर आप देश भर में अगर मैट्रिक से भी ज्यादा पति पत्नी में पत्नी है तो बाहर प्रजनन दर 1.7 और बिहार में लड़की थी तो उसमें प्रजनन दर 1.6। आईसी में हमको यूरेका की खुशी हुई, कलम बोले और हमने महिलाओं पर जोर दिया। और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं, इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया। और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहे मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया। लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है इसीलिए। और आप लोग कल सहमत थे लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापस करता हूं और मैं उस सब को वापस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन आप जान लीजिए जो राज्य के हित में काम हुआ है, महोदय कोई कल ही कर दिया गया है। आपकी बराबर है, सारे कानून आ रहे हैं महोदय और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बराबर है, कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह के अपना निंदा नहीं किया है। ये लोग निंदनीय हो गए, अब क्या बोल रहे हो, हमारे कोई शब्द पर एतराज है तो हम उसको वापस ले रहे हैं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।